दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार ऑलराउंडर और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में जिसमें भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और खुद भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर आयरलैंड के बल्लेबाजों को पानी पिलाते हुए तहलका मचाकर रख दिया। कैसे भुवनेश्वर कुमार से लेकर हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से कहर मचाया है और क्या रही अब तक के इस मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाइलाइट्स, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार किस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, ढेर सारी बारिश के बाद भारत और आयरलैंड दोनों के बीच में बहुत ही रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है और ये ओवर 20 ओवर की बजाय 12-12 ओवर्स का कर दिया गया है, जहां टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर चुके हैं। और आपको बता दें कि आज के मुकाबले में भारत की नई सनसनी बन चुके उमरान मलिक को भी मौका दिया गया। जम्मू के ऐसे दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्हें की टीम इंडिया में मौका दिया गया। टॉस जीतकर जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने के लिए उतरी तब गेंद थी स्विंग मास्टर और भारतीय टीम के उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार के हाथों में। आयरलैंड की बैटिंग से ओपनिंग करने के लिए उतरे जीवन के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और कैप्टन एंड्रयू वॉल्वरिन से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को जब तक परेशान करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास काफी अनुभव था। लेकिन बारिश के बाद भुवनेश्वर कुमार की लहराती गेंदों का जवाब इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद स्टर्लिंग ने खेली तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये गेम जा कहां रही है। इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर एक रन लेते हुए स्ट्राइक कैप्टन एंड्रयू वॉल्वरिन को दे दी और भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद को तो वो जैसे तैसे करके खेल गए। लेकिन अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार ने ऐसी डाली कि जिस पर एंड्रयू वॉल्वरिन तो क्या दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज भी आउट हो जाते। जो यहाँ पांचवी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने आयरलैंड के कैप्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पहले ओवर के बाद में आयरलैंड का केवल एक रन पर एक विकेट स्कोर हो चुका था। इसके बाद सबको चौंकाते हुए खुद कैप्टन हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आ गए और उनकी पहली गेंद इतनी स्विंग हुई कि वो सीधे वाइड के लिए चली गई और जब दूसरी गेंद उन्होंने डाली तो उस पर आयरलैंड के अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने एक खतरनाक चौका लगा दिया। उनके खतरनाक लय को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो आज के मुकाबले में वो कुछ बड़ा करने वाले। लेकिन चौका खाने के बाद हार्दिक पांड्या कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने अगली ही गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए गैरेथ डेल ने और उन्होंने हार्दिक पांड्या की आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए आयरलैंड के प्रशंसकों को थोड़ा मुस्कुराने का मौका जरूर दिया और दो ओवर के बाद में आयरलैंड का स्कोर 14 रन हो चुका था। तीसरे ओवर में एक बार फिर से बॉल सकवार गेंदबाजी करने के लिए आए और उनकी गेंद को खेलना आयरलैंड के बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी और उनकी पहली ही गेंद इतनी खतरनाक थी कि उसका जवाब हैरी के पास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उन्होंने एक रन लेकर स्ट्राइक गारेथ को दे दी और भुवनेश्वर कुमार की गेंद को खेलना उनके लिए आसान नहीं था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से सिंगल लेकर स्ट्राइक भी हरी को दे दी और ये दोनों ही बल्लेबाज भुवनेश्वर के इस ओवर में केवल 3 रन ही बना पाए और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद आयरलैंड केवल 17 रनों के पार पहुंच पाई थी और यहां तक उनके 2 विकेट भी चले गए थे। और जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इसे आसानी से अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, काफी लंबा इंतजार करने के बाद उमरान मलिक को भारतीय टीम में जगह मिल गई और आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी शामिल किया गया था लेकिन 5 मुकाबलों की खेली गई इस सीरीज में उन्हें एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब वो भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, उमरान मलिक के टीम में शामिल होने से आप कितने खुश हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।